दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, ये देख लीजिए दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये देख लीजिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है कतला फिश है दोस्तों, ये देख लीजिए कतला फिश। सो फ्रेंड्स यहाँ पे अगेन यहाँ पे झापने हम देख रहे हैं, पत्थर निकाल रहे झापने की, सो देखते हैं क्या होता है। तो ऑलरेडी एक चिलापी फिश निकाली है और आगे भी देखना बाकी है, सो लेट्स ट्राई। आई थिंक दोस्तों ऊपर आया, आ भी जाएगा या फिर नहीं, आई कांट से, बट उसकी ओ माय गॉड दोस्तों ये देख सकते हैं, मैंने अभी आपको बोला था सेंगर फिश बहुत ही नज़दीक है। एंड ये देख लीजिए दोस्तों, फाइनल दोस्तों एक यहाँ पे सेंगर फिश मिल चुका है। इसी बात पे वीडियो को लाइक कीजिए, चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। दोस्तों ये देख लीजिए सिंगल फिश, चलिए इसी बात पे आगे बढ़ेंगे। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे आगे एक सिंगल फिश आ चुका है, ये देख लीजिए, हालांकि ज़्यादा बड़ा नहीं है। एंड कहाँ से गुद के आया है, बहुत सारी जालियाँ इकट्ठे की है एक साथ, चलिए इसकी जो यहाँ पे काटा जो रहता है तो हमने तोड़ दिए है, एक दो तीन काटे रहते इसको, ये देखो दोस्तों निकाल लिया है। ओ माय गॉड दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, ये देख लीजिए दोस्तों, काफी बड़ा सिंगल फिश आ चुका है। इसी बात वीडियो को लाइक हो जाए यहाँ पे, चलिए इसको भी कांटे जो रहते बड़े बड़े तोड़ देते हैं। साइड पे यहाँ पे एक रहता है, ये देखो एक और बाकी दोस्तों, एंड दोस्तों ये देख लीजिए यहाँ पे एक है, ओके। अभी जो क्या करेंगे, पहले पत्थर को सही सलामत निकाल देंगे यहाँ पे ताकि बाद में कोई मुसीबत ना आए, ओके निकाल दिया है। अभी बारी आती है सिंगल फिश निकालने की, तो पहले देखेंगे सिंगल फिश जो है, ओके पूरी तरीके से निकाल दिया है। एंड दोस्तों डर की वजह से ये तो फिश मर भी चुका है, हालांकि इसने कोई रिस्पांस भी दिया नहीं अभी तक। ऐसा ना हो जाए मैं इसको निकाल लूँ, जाली से बाहर निकाल लूँ और ये भाग जाए, इसीलिए सेफ्टी के तौर पर इसको मैं यहाँ पे बहुत ही हार्ड पकड़ बनाए रखा हूँ। चलो फाइनली इसको निकाल दिया है। एंड ये देखिए दोस्तों काफ़ी बड़ा है, तकरीबन तो एक किलो के साइज, एक से डेढ़ किलो के साइज तक हो सकता है। चलो अभी आगे बढ़ेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे सभी पत्थर निकाले झापने के, एंड यहाँ पे देख सकते हैं
हाथ में उठा रहे हैं, अभी देखेंगे और कितने फिश हम कैच कर पाते हैं। हालांकि इससे तो ज़्यादा ही कैच कर पाएंगे, अभी तक हमने 2 संगठ फिश और 1 तिलापिया फिश कैच कर ली थी और अभी देखते हैं आगे। दोस्तों यहाँ पे 1 तिलापिया फिश आ चुकी है, देख लीजिए यहाँ पे। चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। बहुत ही उछल रही है, चलो उसको डाल देते हैं बैग में। दोस्तों सामने एक फिश है, आई थिंक संगठ फिश में भी हो सकती है, नहीं तो फिर चिला फिश तो जिंदाबाद। एंड दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है कतला फिश है दोस्तों, ये देख लीजिए कतला फिश। ये देख लीजिए दोस्तों, चलो इसको छोड़ देंगे हम, रिलीज कर देने वाले। ये जो बड़ा होके फिर हमर जाले में तो कंफर्म गुतेगा, लेकिन क्या कहे, अगर हम जाले नहीं छोड़े पानी में तो कहाँ से गुतेगा। अटकने वाला दोस्तों, इसलिए हम इसको यहाँ पे आई विल ट्राई सेफ निकालने का, क्योंकि फेंक देने के बाद भी अगर अच्छे कंडीशन में रहेगा तो ज़िंदा रहेगा ना, वरना मर जाएगा थोड़ी देर के बाद। ये देखिए दोस्तों निकाल लिया पूरी तरह से बाहर, ये देख लीजिए, और इसको छोड़ देंगे हम। छोड़ दिया उसको, चलो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों गजब हो गया यहाँ पे, देख सकते सिर्फ एक ही फंदे में अटका हुआ है यहाँ पे। संगठ फिश है, चलिए इसको निकाल लेते। ये देख लीजिए यहाँ पे, हेलो हेलो, हाँ 10-15 मिनट लगते हैं, 10-15 मिनट दे दो। दोस्तों और यहाँ पे संगठ फिश आ चुका है, ये देख लीजिए, अभी कांटे तोड़ रहे हैं इसके। दोस्तों आज मौसम अच्छा है, इसलिए ज़्यादा फिश हम यहाँ पे मिल रही है हमें। दोस्तों आप इनको देख सकते हो, बिग कॉम्बिनेशन दोस्तों, टाइगर फिश और उसके साथ भी एक सिंगल फिश है, देख लीजिए यहाँ पे। तो फाइनल फ्रेंड्स यहाँ पे सभी झापनी हमने निकाल ली है, देख सकते हैं यहाँ पे। एंड आज की उसी हम झापनी में से कितने सारे फिश पकड़ पाए दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये देख लीजिए। तो बस दोस्तों ऐसी फिशिंग रेट और देखने के लिए को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड दोस्तों साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं स्टोरी में, तब तक आपने ध्यान रखना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।